गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अकाउंट 11 स्टैंडर्ड में चैप्टर है जर्नल एंट्री। आज उसका सेकेंड क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जो रूल्स आपको समझाए थे, वो जो भी रूल्स थे उसको हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले देख रहे थे, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या देखा जा। नंबर वन, कैश परचेज, अगर हमने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होगा और सामने हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम बैंक कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें, ठीक है। मीन्स परचेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स बाय चेक, अगर हमने चेक से परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर हमने कोई एसेट परचेस किया होता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर हमने कोई गुड्स क्रेडिट मतलब अगर हमने उधारी पे परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अब अगर हमने व्हीकल्स मतलब कोई एसेट हमने क्रेडिट पे लिया है तो व्हीकल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एसेट है तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर एसेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा एंड हेंस व्हीकल अकाउंट हमने यहाँ कर दिया डेबिट। लेकिन हमने गुड्स क्रेडिट पे लिया है मीन्स उधारी पे लिया है तो हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है क्रेडिटर्स। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है सेल्स। सेल्स में क्या होने वाला है, अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स क्रेडिट, अगर हमने एसेट सेल किया है तो एसेट क्रेडिट, गुड सेल किया है तो सेल्स क्रेडिट। ऑपोजिट साइड, अगर हमें पैसा मिलता है तो कैश डेबिट, अगर हमें चेक से पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट, अगर हम पैसा अभी नहीं देते थोड़ा बाकी रखते मतलब बाद में देंगे ऐसा आप सोच लेते हो तो इसके लिए क्रेडिट डेबिट होता है डेटर साइड। ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 10 से स्टार्ट करना है। आज जर्नल एंट्री के ये सारे एग्जांपल्स जो आपको आगे काम आने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव। अब जब भी लिखा हो डिविडेंड रिसीव तो याद रखना है डिविडेंड हमेशा चेक से मतलब अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में आता है, या आपको कभी भी ऑन हैंड कैश नहीं मिलता है। याद रखना है डिविडेंड हमेशा बैंक में आएगा एंड दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज डेबिट। यहाँ पर अगर हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा तो ये गलत हो जाएगा, हमें बैंक अकाउंट डेबिट ही लिखना है। एंड ऑपोजिट साइड के डिविडेंड अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड हमारे लिए इनकम है तो एज पर नॉमिनल अकाउंट डिविडेंड अकाउंट इज क्रेडिट। देन अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपने वर्ड भी शायद ऐसे नाम तो सुना होगा लेकिन आप इसका मतलब समझते हैं। इनकम टैक्स, हर साल अपने इंडिया में जितने लोग भी पैसे कमाते हैं उन सबको एक टैक्स पे करना है जिसको हम नाम देते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अगर वो हमने ज़्यादा पे कर दिया है, एक्सेसिव पेमेंट कर दिया है, तो जो ज़्यादा पेमेंट किया है उसको हमें मिलता है रिफंड। वंस अगेन, इनकम टैक्स हमें पे करना होता है, हर लोग अपने जो लोग कमाते हैं वो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आप जैसे अभी स्टूडेंट्स जनरेशन में आप लोग अभी इनकम टैक्स नहीं भरते हो, नहीं पे करते हो क्योंकि आपकी अभी कोई इनकम है नहीं, लेकिन जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करोगे आपको भी पे करना होगा इनकम टैक्स। और अगर ज़्यादा पे कर दिया है तो हमें वो पैसा जो ज़्यादा पे किया उसको क्या मिलता है, रिफंड। इनकम टैक्स वाले हमें इसको रिफंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर मतलब ये अपना घर का खर्च है, इसको हम बिजनेस एक्सपेंस नहीं मान सकते, क्योंकि इनकम टैक्स किसका होता है, पर्सन का। पर्सन कौन होता है, घर का, इसको हम कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मान सकते। दैट्स व्हाई अगर हम पे कर रहे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, अगर हमें मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। वंस अगेन, अगर हम पे कर रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, अगर हमें मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आगे, इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब रिसीव होगा तो वही पेमेंट किया हुआ मतलब हमें वापस मिलेगा, लेकिन अगेन इनकम टैक्स वाले भी आपको ऑन हैंड कैश नहीं देने वाले, ये पैसा भी आपको बैंक में ही मिलने वाला है, एंड दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज डेबिट। तो इनकम टैक्स पे करते हैं तो जर्नल एंट्री याद रखनी है, ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। इफ वी गेट इनकम टैक्स रिफंड बैक, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर एक्सपेंस पे, अगर हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। एज पर नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है कि एक्सपेंस का जो भी नाम होगा, जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंटिंग फीस है तो अकाउंटिंग फीस डेबिट, उसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। सेम वे अगर इनकम रिसीव हो रही है, व्हाट आई रिसीव्ड, रिसीव मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम है तो इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो जो जिस टाइप की भी इनकम है वो इनकम को करना है क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर भी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट अगर इनकम है तो क्रेडिट, और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट। ठीक है। देन आफ्टर 15 नंबर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक रूल याद रखना है, कोई भी तरह से अगर गुड्स जाता है, कोई भी रीजन से अगर गुड्स जाता है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई भी रीजन से अगर गुड्स जाता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, परचेज अकाउंट क्रेडिट, लेकिन गुड्स तो जाएगा, और वो क्यों जा रहा है, क्योंकि गोडाउन में क्या लग गई, आग लग गई, फायर। अब फायर, अगर आग लग जाती है तो जो भी गुड्स गया, सामने हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा लॉस, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, मतलब लॉस डेबिट होगा और परचेज हमारा क्रेडिट होने वाला है। ध्यान रखना है कि लॉस और एक्सपेंस में छोटा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस? द डिफरेंस इज एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो हम खुद अपनी इच्छा से करते हैं, और लॉस एक ऐसी चीज है जो हमारी इच्छा के बिना हो जाता है, तो वो हो जाता है लॉस। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप अगर कहीं बाहर घूमने गए हो, कहीं पर आपने 5,500 रुपये का कुछ खाना भी खा लिया हो, तो वो जो है उसका आप एक्सपेंस ट्रीट करोगे कि हाँ भाई हमने ये पैसा यूज किया है। लेकिन उसकी जगह अगर 10 रुपये की भी नोट पॉकेट से गिर गई, आपको पता ही नहीं चला, और आपको पता इतना पता चला कि अपनी नोट एक गायब हो गई 10 रुपये, तो वो ज़्यादा दुख देता है। 100 रुपये जो यूज़ करते हो उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो अपने पैसे ऐसे ही गिर जाते हैं उसमें अपने तकलीफ होती है। तो जो पैसे यूज़ किए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस, लेकिन जो पैसे विदाउट यूज़, अगर वो एज इट इज़ हमारा पैसा चला जाता है, तो हम उसको नाम देते हैं लॉस। ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारा गुड्स चला जाता है, परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो गई होगा एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी। वंस अगेन ध्यान से देखना, गुड्स तो जा रहा है, परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो गए होगा, लेकिन अगर वो गुड्स चैरिटी की वजह से जा रहा है, ध्यान से समझना, चैरिटी इज वन काइंड ऑफ हमने एक्सपेंस किया है, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर एक्सपेंस। आप देख सकते हैं दोनों में गुड्स तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी इच्छा से नहीं जा रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं लॉस का। यहाँ पर हम खुद चैरिटी करते हैं तो उसको नाम देंगे एक्सपेंस, और इसको बोलते हैं डोनेशन।
ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने गुड्स एडवर्टाइजमेंट में दिया है तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ही होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में दिया है तो एडवर्टाइजमेंट भी हमने हमारी इच्छा से किया है। आपको पता है ना, वो कहीं जगह पर आप जाते हो तो आपको फ्री सैंपल में आपको कुछ गुड्स मिल जाता है, लाइक कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं छोटी सी शैम्पू की टिक्की आ जाती है, आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो कुछ शॉपिंग करते हो तो काउंटर पे आपको कुछ एक गिफ्ट में छोटा सा साबुन या शैम्पू ऐसा कुछ मिल जाता है, चॉकलेट मिल जाती है, तो ये सारा होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। कंपनी क्या करती है, कंपनी हमें पहले सिखाती है कि आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर अच्छी लगेगी तो आप वापिस उसको प्रोडक्ट को खरीदने वाले हो, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सपेंस, ये भी होता है एक्सपेंस, क्योंकि हमारी इच्छा से हुआ है, और जो चीज़ हमारी इच्छा से नहीं होती उसे हम नाम देते हैं लॉस का। देन आफ्टर गुड्स थेफ्ट, गुड्स थेफ्ट, अगर गुड्स थेफ्ट ये हुआ है तो ध्यान से परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो गई बिकॉज गुड्स तो जा रहा है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है लॉस, क्योंकि चोरी होती है वो अपनी इच्छा से नहीं होती है, हमने ऐसा नहीं सोचा होता है कि कुछ चोर हमारे यहाँ आए और हमारा गुड्स चुरा कर ले जाए, तो याद रखना है ये हमारी इच्छा से नहीं हुआ, तो यहाँ पर वर्ड होना चाहिए लॉस। अगर आपने पूरा लिखा है लेकिन अगर लॉस वर्ड नहीं लिखा है तो आपका ये सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यहाँ पर आग लग गई थी तो लॉस ड्यू टू फायर, ये दोनों सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ भी हो सकता हैवी रेन हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, कुछ भी तरह से अगर हमारा गुड जा रहा है तो परचेज अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हम अपनी इच्छा से देंगे उसको हम एक्सपेंस का नाम देंगे, और जो हमारे इच्छा विरुद्ध काम हो जाता है उसको हम बोलेंगे लॉस ड्यू टू, जो रीज़न है वो लिख देंगे लॉस ड्यू टू, जो रीज़न है वो लिख देंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन, पॉइंट नंबर 19 नंबर के पॉइंट्स में है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, तो यहाँ पर मैंने दो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी लेकिन मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया है, रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया है अगर आपको पहले ज्वाइन करोगे तो ही मैं आपको यहाँ पर अलाउ करूँगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको अलाउ नहीं करने वाला, टाइम से ज्वाइन करना है, ठीक है। 5 मिनट तक मैं वेट करने वाला हूँ, उसके बाद ज्वाइन मैं आपको नहीं करने वाला। चलिए आगे, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो पहले आ चुका है, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने उस गुड्स का इंश्योरेंस लेकर रखा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन हमने उस गुड्स का इंश्योरेंस लेकर रखा है, इंश्योरेंस लेकर रखा है मतलब कि अगर हमने इंश्योरेंस किया है तो हमें हमारे पैसे कौन दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देंगे, तो ध्यान से समझना यहाँ पर हमारा कोई लॉस है ही नहीं, क्यों लॉस नहीं है, बिकॉज हमें हमारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देने वाले, पैसे नहीं मिले तो लॉस ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पॉकेट में से 500 रुपए की नोट अचानक से गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला, चाहे वो चोरी हो गया, चाहे रास्ते में गिर गया हो, फट गया हो, वॉट एवर, लेकिन कोई और आपको 500 रुपए दे देता है तो आपका एक्चुअली लॉस कितना हो, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह हमारा गुड्स तो चला गया तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो गई होगा, क्योंकि गुड्स गया तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर 2000 बट इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 1500, ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको अमाउंट के साथ कि 2000 का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होने वाला है 2000 से, बिकॉज गुड्स तो गया और वो भी 2000 से गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट 2000, लेकिन
इंश्योरेंस कंपनी कितने देगी? सिर्फ 1500 रुपये। तो जो पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, हम वहाँ पर लिखने वाले इंश्योरेंस कंपनी है हम डेबिट, और जो पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, जो पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी वहाँ पर हम लिखने वाले हैं लॉस। लॉस तो हुआ है, लेकिन लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 500 का। तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट 2000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1500, लॉस ड्यू टू फायर 500। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है कि ये हमारे ये लॉस है। क्यों लॉस है? बिकॉज कोई इंसान जिसको मैंने क्रेडिट पे माल सामान बेचा है, उधारी पे माल सामान बेचा है, सामने वाला इंसान पैसे देता नहीं है, चाहे वो गायब हो जाता है, चाहे वो देना ही नहीं चाहता, कि वो देता ही नहीं है, जो भी, लेकिन यहाँ पर मुझे तो लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मुझे जो लॉस होता है उसको हम यहाँ पर नाम लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स, यहाँ पर बी साइलेंट है तो डेब्ट डेब्ट नहीं बोलना है, डेट्स बोलना है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपना लॉस हो गया है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स रिटर्न मतलब जो पैसे को हम भूल चुके थे कि ये इंसान अब हमें ये पैसा नहीं देने वाला, हम तो उसको वो पैसों को भूल भी गए थे, लेकिन 5-6 साल बाद उसका जब मन परिवर्तन होता है तो, और वो हमें पैसे दे जाता है, तो अब हमारे लिए पैसे हमारी हो जाती है इनकम। तो जो बैड डेट्स रिटर्न है ना, वो हो जाती है अपनी इनकम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बैड डेट्स रिटर्न भी लिख सकते हो, या बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हो, और वो होगा क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वो अपना अपने लिए इनकम है। हमें सामने क्या मिलेगा? पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। एज पर रियल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सॉरी व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और ये हमारे लिए इनकम है तो इनकम होगी क्रेडिट। तो ध्यान से समझना, बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है तो उसको डेबिट कर दिया, और बैड डेट्स रिटर्न या बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है तो उससे हमने क्रेडिट कर दिया। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एसेट के ऊपर अगर हमें डेप्रिसिएशन गिनना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में सीखियो ना कि कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती रहती है, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा एंड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हो गए टोटल आपके 23 एग्जांपल्स जो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर कवर करवा लिए, ठीक है ना। अब ये 23 एग्जांपल के ऊपर से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं इसके सम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए, और वो भी मैंने रेडी रखा है। टेक्स्ट बुक में हमने पहले देखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर, देख लेते हैं, 1 खत्म किया था। देन आफ्टर इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। देखो, जब पहले आंसर बता लूँ, जब हमारी एक से ज़्यादा चीज़ डेबिट होती है, जब हमारी एक से ज़्यादा चीज़ें को हम डेबिट करते हैं तो इसको बोला जाता है कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री मतलब कि ऊपर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक एंट्री डेबिट, एक एंट्री क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ डेबिट हो रही है, डेबिट डेबिट डेबिट, और सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो जब मोर देन 1 एंट्री इज डेबिटेड और मोर देन 1 एंट्री इज क्रेडिटेड, देन इट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री, याद रखना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, कमेंस ऑफ बिजनेस, मतलब एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है राधिका। राधिका ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही वो 20,000 कैश लाई, 10,000 की मशीनरी लाई एंड 15,000 का स्टॉक लाई।
तो ये तीन चीज हमारे बिजनेस में आने वाली है। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, ये तीन चीजें हमारे पास आ रही है। तो हम ये तीनों को डेबिट करने वाले, कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ठीक है, तीनों चीज हमारे पास आ रही है। तो हमने तीनों को डेबिट कर दिया। लेकिन अच्छा, यानी कि जो जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते जाएंगे, कैश आए तो कैश, मशीनरी आए तो मशीनरी, स्टॉक आए तो स्टॉक। इसके अलावा व्हीकल्स आए, प्लांट आए, डेटर्स आए, जो जो नाम आते हैं उन सबको हम डेबिट करेंगे। और सामने हमारी एक ही चीज क्रेडिट होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इन सबका करना है हमें टोटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज आती है तो उसे हम नाम देते हैं कैपिटल का। तो एज पर द कैपिटल अकाउंट डेफिनेशन, जो जो चीज बिजनेस में आती है, कैश, एसेट या स्टॉक, उन सबको हम डेबिट करेंगे और उसको हम नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। अब इसके ऊपर से अब एक्चुअली जेन्युइनली बड़े स्लम्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है। एग्जाम में ये आपका अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से सीखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद और 3 चैप्टर ऐसे हैं कि जो जर्नल एंट्री के ऊपर ही है, बराबर। अगर जर्नल एंट्री आई तो ही आपको ये चैप्टर आएगा, जर्नल एंट्री नहीं आई तो आगे के 2-3 चैप्टर आपको नहीं आएंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं बीच में, प्लीज़ मुझे यहाँ पर इंटरप्ट करके आपको मुझे इंस्टेंटली पूछ लेना है। ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि भाई हम पूछ लेंगे तो क्या होगा, जो पूछना है पूछ लेना बिंदास, लेकिन पूछना पड़ेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, अजय हैज कमेंस हिज बिजनेस विद द नेम अवध एंटरप्राइज। एक अजय नाम का एक इंसान है जिसने अपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस का नाम रखा अवध एंटरप्राइज। राइट जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज लिखनी है 2014 जुलाई, तो हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अवध एंटरप्राइज डेट में लिखेंगे 2014 जुलाई। और ये जो सारे ट्रांजेक्शन है ये सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर डेट में लिखने वाले हैं, ठीक है। 1-4-10-14-16 डेट बाय डेट हम ये सब कवर करते जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन। इंट्रोड्यूस कैपिटल 50,000 एंड कमेंस बिजनेस। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 कैपिटल है। कैपिटल है मतलब क्या लाए? यहां पर हम लाए होंगे बिजनेस में पैसा, तो कैश लाए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश लाए हैं, जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम करेंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा 50,000। दैट्स इट। नेक्स्ट, ब्रॉट गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ 2,000, डेटर्स ऑफ 30,000 इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में हम गुड्स लाए, फर्नीचर लाए, डेटर्स लाए, 3 चीज लाए। मैंने क्या बोला? जो जो चीज बिजनेस में आ रही है हमें उसको डेबिट करना है। तो गुड्स आए, इसको हम नाम बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, वंस अगेन स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में जो भी आता है उसे हम नाम देते हैं कैपिटल। अब इसको क्या बोला जाएगा? कंबाइन एंट्री। हमने आगे सीखा था ना, कंबाइन एंट्री में क्या होता है कि मोर देन वन अकाउंट इज डेबिट। यहाँ पर 3 अलग अलग अकाउंट डेबिट हुए, तो इसको हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री। हम उनकी अमाउंट लिख देंगे और इन सबको टोटल कर देंगे, टोटल हो गया 40,000, ठीक है। नेक्स्ट,
नंबर 10 सोल्ड बाइक फॉर 20,000। अच्छा सोल्ड बाइक फॉर 20,000 फॉर 15,000, मतलब एक 20,000 का बाइक था जिसे हमने कितने रुपए में बेचा है, 15,000, नो प्रॉब्लम। आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। हम अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, बिजनेस के अंदर हम 10,000 रुपए लाए हैं तो हमारी एंट्री सिर्फ 10,000 रुपए की होने वाली है, उससे ऊपर ये जो भी सारी चीज लिए है वो हमारे कोई काम का नहीं है। वंस अगेन, 20,000 का बाइक था, नो प्रॉब्लम, 15,000 में बेचा, नो प्रॉब्लम। बिजनेस में कितना पैसा लाए, 10,000। ध्यान से, बिजनेस में बाइक नहीं लाए, बिजनेस में आया है पैसा 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी लाते उसको बोलते हैं कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये जो सारी आपको बातें बताई है सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए, वो यही चाहते कि आप कन्फ्यूज हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवर। ये रिसीवर को बोला जाता है टेकर, चैप्टर नंबर 1 में आया था ना, रिसीवेबल को बोला जाता है टेकर एंड पेबल को बोला जाता है क्रेडिटर। टेकर हमारा डेबिट होता है, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट होता है। वंस अगेन, रिसीवेबल इज कॉल्ड टेकर एंड पेबल इज कॉल्ड क्रेडिटर। डेटर अकाउंट इज डेबिट एंड क्रेडिटर अकाउंट इज क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा 6,000, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000। अब डिफरेंस आएगा 2,000, अब डिफरेंस आएगा 2,000, वो भी आएगा क्रेडिट से। वो डिफरेंस भी कहां पर आएगा, क्रेडिट से। तो हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट 6,000, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 4,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000। डेटर अकाउंट डेबिट 6,000, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 4,000, डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, वो भी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 2,000, उसके सामने हम नाम लेंगे कैपिटल। नेक्स्ट, पेड ऑफ इनकम टैक्स। हमने इनकम टैक्स पे किया, मैंने अभी ये जस्ट आज ही समझाया है, इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है और पर्सनल एक्सपेंस के लिए नाम बोलते हैं हम ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर विड्रॉन 1,000, कोई बात नहीं, विड्रॉन 1,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हमने बिजनेस में से 1,000 रुपये विड्रॉ किए और वो भी पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को नाम दिया जाता है यहाँ पर ड्रॉइंग, पर्सनल यूज को यहाँ पर नाम दिया जाता है ड्रॉइंग। तो हम यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे और पैसा हमारे बिजनेस में से जाने वाला है कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने पेमेंट किया। तो लाइफ इंश्योरेंस ये होता है हमारे पर्सनल इन नेचर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ यानी क्या, वो जीवन का इंश्योरेंस। अगर हम हमारे जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हम खुद हमारे जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये होता है हमारा पर्सनल एक्सपेंस। इसको नाम देंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अब ध्यान से समझ लें,
यहाँ पर हमारा गुड्स जा रहा है, गुड्स हमारा जा रहा है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा एंड ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉइंग क्यों? पर्सनल नेचर एक्सपेंस, पर्सनल नेचर, हम कुछ भी चीज घर पे ले जाएंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन ध्यान से, यहाँ पर पैसा नहीं जा रहा है, कैश इज नॉट गोइंग आउट, यहाँ पर जा रहा है गुड्स, तो गुड्स को हम नाम देते हैं परचेज का, तो ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिट, परचेज अकाउंट इज क्रेडिट। नेक्स्ट, कॉलेज ट्यूशन फी ऑप्शन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। हमने क्या किया, बिजनेस में से हमारे सन की ट्यूशन फीस पे कर दी, तो सन की ट्यूशन फीस इज अ पर्सनल नेचर एक्सपेंस, वी कॉल इट अ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट एंड हमारे बिजनेस में से क्या गया, कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ से आपको ये समझना है, बिजनेस में से दो चीजें जा सकती है, नंबर वन अगर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, नंबर टू अगर गुड्स जा रहा है, अगर गुड्स जा रहा है ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट, सॉरी परचेज अकाउंट क्रेडिट, कैश जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, गुड्स जा रहा है परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुड्स गया था तो परचेज अकाउंट क्रेडिट लिखा, और जहाँ पर पैसा जा रहा है वहाँ पर हमने कैश अकाउंट क्रेडिट लिखा। अब देखो नरेशन में क्या करना है, मैंने किसी के भी अभी तक नरेशन नहीं समझा, नरेशन में करना क्या, आपको लिखने का आगे बीइंग, बीइंग लिखने के बाद पूरा ट्रांजेक्शन कॉपी करना है, हर हर एक में आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो, आप थोड़ा सा इसमें पूरा अगर नहीं लिखना है, अगर कोई सेंटेंस बड़ा है तो उसको काट के भी लिख सकते हो, लेकिन इतना भी मत काटो कि फिर उसका कोई मतलब ही ना रहे। ठीक है, तो आपको बस आगे बीइंग लिखना है और ये नरेशन पूरी लिखनी है, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेगा, लिखोगे तो ये एक एंट्री की, एक एंट्री का आपको एक मार्क्स मिलेगा। डेट सही होनी चाहिए, जर्नल एंट्री सही होनी चाहिए, अमाउंट सही होनी चाहिए एंड नरेशन सही होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ सही होगा तो एक एंट्री का आपको एक मार्क्स मिलेगा। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर यहाँ पर 9 एंट्रीज है तो यहाँ पर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, और LF का कॉलम खाली रहेगा, उसमें कुछ नहीं लिखना है। देन आफ्टर सबसे लास्ट में हम करने वाले टोटल, और टोटल डेबिट साइड का टोटल करेंगे एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए, तो हमारा सम सही है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक और फिर इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 5, गुड्स ऑफ 1000 इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि कोई भी हम गुड्स पर्सनल एक्सपेंस के लिए ले जाएंगे तो उसे हम नाम देने वाले हैं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए ले जाएंगे तो हमें उसको नाम देने वाले हैं ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा एंड सेकेंड थिंग गुड्स जाने वाला है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स जाने वाला है तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने वाले। थर्ड, गुड्स ऑफ 700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इट वाज नॉट इंश्योर्ड, गुड्स तो जाएगा, तो गुड्स जाएगा तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, गुड्स जाएगा तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंश्योरेंस नहीं था और अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो लॉस ये पूरा नहीं लिखना है तो आपको सिर्फ सिंपल लिख देने का, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, मेन वर्ड है लॉस। अगर आपने लॉस नहीं लिखा तो यहाँ पर आपका मार्क्स कट जाएगा, इसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो लॉस वर्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से ₹500 का गुड्स चोरी हो गया, अगेन वर्ड आना चाहिए लॉस, हम बोल देंगे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यहाँ पर उन्होंने पूरा लिखा है कोई बात नहीं, लॉस वर्ड आना चाहिए लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और गुड्स तो हमारा जाने वाला है परचेज अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन रिसीव्ड बैक ₹100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन,
जो ऊपर हमारा गुड्स चोरी हो गया था 500 रुपये का, अभी क्या हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ने केस करवाया होगा और इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें से हमें 100 रुपये का गुड्स वापस मिल गया, तो क्या करने का पता, ये जो एंट्री लिखी है उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब कि हमने यहाँ पर जो लिखा था फिफ्थ नंबर के ट्रांजेक्शन में उसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे मतलब क्या हो गया, परचेज डेबिट और लॉस क्रेडिट 100 रुपीज। पहले लॉस डेबिट परचेज क्रेडिट था, रिवर्स कर दिया तो परचेज डेबिट लॉस क्रेडिट हो गया। 12 गुड्स ऑफ 2500 इज डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम। 2500 रुपये का गुड्स हमारा जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम एडमिट किया, तो यहाँ पर हमारा क्या नुकसान हुआ, आंसर इज नो, बिकॉज जो 2500 का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था वही पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी में दे दी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट एंड गुड्स हमारा गया परचेज अकाउंट क्रेडिट। 15 नंबर, गुड्स ऑफ 4000 इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 50%। गुड्स कितने का गया, 4000 का, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कितना करने वाले, 4000, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली 50%, 4000 का 50% यानी कि 2000 रुपीज़ हमें मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 और बाकी का 2000 का लॉस होगा, तो यहाँ पर हमारा वर्ड आना चाहिए लॉस ड्यू टू सिंकिंग अकाउंट डेबिट। परचेज क्रेडिट हुआ 4000 से, 50% इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर और 2000 रुपये लॉस के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 500 गिवन एज डोनेशन, डोनेशन हमने दिया है, गुड्स गया परचेज अकाउंट क्रेडिट और डोनेशन दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पर लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल पे गुड्स बेचा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस है, हमने अपनी इच्छा से फ्री सैंपल पे गुड्स दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, 400 रुपये हमें मैन्युफैक्चरर से फ्री सैंपल पे मिला है, गुड्स मिला है। अगर हमें कोई फ्री सैंपल में गुड्स मिलता है, तो हम इसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कोई गुड्स हम देते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं, कोई गुड्स हमें फ्री में मिलता है उसकी एंट्री नहीं होगी। देखो 22 नंबर की एंट्री नहीं होगी, है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मीन्स जो गुड्स हमें फ्री में मिलता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, जो गुड्स हम फ्री में देते हैं वो हमारा एक्सपेंस है और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा। तो ध्यान से, ऐसा नहीं होता कि फ्री सैंपल वर्ड देखा आपने नॉन इकोनॉमिक लिख दिया, ध्यान से ये देखना है रिसीव्ड है कि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एंट्री होगी, रिसीव्ड है तो एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड ऑन 22 सोल्ड एंड रियलाइज 300, हमने गुड्स बेचा है और हमें 300 रुपीज रियलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 300 मिलने वाला है तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि हमने गुड्स बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट 300 और हमने सेल किया है, सेल अकाउंट क्रेडिट 300। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ 900, 200 रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप ऑफ गुड्स। ध्यान से समझना, जबरदस्त वाला ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पर क्या होगा, गुड्स गया परचेज अकाउंट क्रेडिट 1500, परचेज अकाउंट क्रेडिट 1500, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 900 तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900, 200 रुपीज़ हमें स्क्रैप से मिला तो ये हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट 200। कितना समझ में आ गया, ये परचेज अकाउंट क्रेडिट 1500, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900, कैश अकाउंट डेबिट 200।
अब जो डिफरेंस है मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो डिफरेंस आएगा 1500 क्रेडिट, 900 डेबिट, 200 डेबिट, डिफरेंस कितना आ रहा है 400, ये हो गया अपना लॉस। क्योंकि 1500 का गुड्स गया, सामने 900 इंश्योरेंस वाले दे देंगे, 200 कैश मिल जाएगा, तो बाकी का जो डिफरेंस है उसे हम नाम देते हैं लॉस का, ठीक है। एंड लास्ट वन, गुड्स ऑफ 600 डिस्ट्रॉयड इन रैंक विच इज सोल्ड फॉर 200, 600 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, परचेज अकाउंट क्रेडिट 600, कैश अकाउंट डेबिट 200, परचेज अकाउंट क्रेडिट 600, कैश अकाउंट डेबिट 200, 600 रुपये का गुड्स गया, सामने 200 रुपीज मिल जाएंगे, तो जो पैसा नहीं मिला 400 उसे हम नाम देंगे लॉस का, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था और ये सम हमारा खत्म हो गया, तो आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।